मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज अभी टाइम हो रहा है 8:15 एंड अभी उठ चुका हूँ, नहा धो के फ्रेश वगैरह हो चुका हूँ एंड सवेरे सवेरे मैं पी रहा हूँ कच्चा दूध और वो भी एकदम ठंडा। क्यों? क्योंकि मतलब मेरे पेट में थोड़ा सा पता नहीं ऐसा कुछ अनइजीनेस फील हो रहा है। मैं खुद भी डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने खाया क्या ऐसा अगड़म तिगड़म कि मेरे को ऐसा हो रहा है। मुझे अगर मेरे पेट में अगर कुछ होता ना तो मेरे को सामने वाले को समझाने के लिए बहुत डिफिकल्ट होता था कि मेरे को एक्चुअली हो क्या रहा है, क्योंकि मुझे खुद को ही समझ में आ रहा है। मुझसे दुख रहा है, जल रहा है कि एसिडिटी हो रही है, क्या हो रहा है। मैं बोला कि अब कैसे बताऊँ क्या हो रहा है, तो वो एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा हार्ड है कि हो क्या रहा है भैया। अभी कुछ नहीं से तो कुछ सही, अभी शायद इससे ठीक हो जाए। जो भी हो रहा है अंदर गकड़म तिगड़म जो भी हो रहा है इससे ठीक हो जाए तो बढ़िया है, नहीं हुआ तो देखिए इनो पिएंगे या कुछ करेंगे, सोडा पिएंगे, क्या करेंगे। वैसे मिलते थोड़े टाइम में आपसे, देखते हैं आज क्या सीन है और क्या नहीं, बताते हैं। चलो ओके। सो गाइस अभी हम आ गए हैं हमारे टेरेस पे। ये लेडीज़ लोग का कुछ फंक्शन था ऊपर, फंक्शन इन द सेंस कुछ तो था, पता नहीं क्या था, आई डोंट नो क्या था। तो फंक्शन था तो मेरे शूटर लोग ऊपर ही थे, लोग बोले कि आ रहा है तो ऊपर आ जा 2-5 मिनट। मैं बोला टेरेस पे जाने का मौका कौन छोड़ेगा, क्योंकि मुझे पसंद है ऐसा, मतलब खुले आसमान के, मतलब आसमान के नीचे रहना मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। बहुत ज़्यादा दब दब के, मतलब वो चीज़ मेरे को पसंद नहीं। एक तो वैसे भी मुंबई में आसमान देखने जाए, क्योंकि आसमान देखना बहुत बहुत कम ही दिखता है मुंबई में आसमान, जैसे मतलब ऐसा दिख रहा है ना अभी ऐसा है। देखो ये व्यू मुंबई में बहुत कम ही मिलता है, अगर किसी का टेरेस वेरेस हो तो ही मिलता है। गांव वगैरह में तो आई होप, गांव वगैरह में तो दिखता है बट मुंबई में कम दिखता है। आई होप आप लोग समझ रहे हो कि मेरा बोलने का मतलब क्या है। अभी ऐसा मैं नीचे से भी देखूंगा, मतलब वहां से ज़मीन से देखूंगा तो पहले झाड़ दिखेंगे, फिर बिल्डिंग दिखेगी, उसके बाद आसमान, और यहां जहां तक नज़र जा रही है वहां तक आसमान नहीं दिखेगा। तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब ऐसा दूर दूर तक सब कुछ दिखता है, मतलब यार आँखों में ठंडक मिलती है एकदम, और पूरा मूड होता है ना जो फ्रेश हो जाता है एकदम, मेरे को बहुत पसंद है यार। बट यार हमारे टेरेस का चाबी ये लोग देते हैं नहीं, आने मिलता नहीं है। और मॉर्निंग के टाइम पे यार रिजर्व पे आओ तो मॉर्निंग के टाइम पे टेरेस पे तो अलग ही मज़ा आता है, मॉर्निंग के टाइम पे, बारिश के टाइम पे। तो थोड़े टाइम रिलैक्स करते हैं यहाँ पे, उसके बाद जाएंगे घर पे। इन लोग तो अभी से आवाज़ देने लग रहे हैं, चलो 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 करके, थोड़ा टाइम रिलैक्स करेंगे उसके बाद जाएंगे घर पे। मिलेंगे आपसे नीचे घर पे। आज का मौसम लिटरली बहुत अच्छा हो रखा है, देखो धूप नहीं है ज़रा भी, ठंडा ठंडा लग रहा है। धूप नहीं तो बट ऑब्वियसली बात है ठंडा ठंडा लगेगा ही। इधर हल्की सी धूप है एकदम एकदम हल्की सी, अब देखोगे तो इससे बहुत हल्की सी, बट जो सन है वो छुप गया है बादल के पीछे। मुंबई में बारिश आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है और बहुत जल्दी ही बारिश आएगा। ओके सो गाइस अभी मैं अपने मैकबुक में एडिटिंग करने का कोशिश कर रहा हूँ, बट इसमें एडिटिंग इतनी हार्ड लग रहा है, इतनी हार्ड लग रहा है, ऐसा लग रहा है कोई कोडिंग वोडिंग कर रहा हूँ मैं, करने की कोशिश कर रहा हूँ। काफ़ी डिफिकल्ट लग रहा है क्योंकि आज से पहले कभी यूज़ नहीं किया, लैपटॉप ही यूज़ नहीं किया एंड ऑल ऑफ सडन मैकबुक ले लिया, तो बट ऑब्वियसली बात है कि थोड़ा सा तो डिफिकल्टीज आएगी, बाद में बहुत ज़्यादा यूज टू हो जाएगा क्योंकि इसे शॉर्टकट कीज़ भी मुझे पता नहीं। जैसे अगर मुझे यहाँ से यहाँ स्प्लिट मारना है तो मुझे यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, देन उसके बाद स्प्लिट मारना पड़ेगा, और ना बटे ना ये ऐसे नहीं, यहाँ से ना कुछ कीज़ से भी होता ही है। अब वो क्या है क्या नहीं वो थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, जब तक नहीं सीख रही तब तक ऐसे एडिटिंग करनी पड़ेगी। खैर कोई बात नहीं, इतनी डिफिकल्ट नहीं है, मैनेज कर लूँगा, इतना कोई हार्ड नहीं है, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जो सभी मैनेज ना कर। बात तो सही है। तो वही चीज़ें, तो गाइस अभी थोड़ा टाइम एडिटिंग करते हैं, उसके बाद नाश्ता करेंगे, देन उसके बाद फिर से बैठेंगे एडिटिंग। जब उठेंगे तब आपको बताएंगे, अभी बज रहा 9:30, माल देने को जाना पड़ेगा, तो तब तक लिए एडिट कर लेते हैं, फिर उसके बाद बताएंगे आपको आगे का सीन। ओके सो गाइस माल देने निकला हूँ एंड हल्की हल्की धूप आ गई है। मॉर्निंग में देखा था आपने मौसम एकदम कैसा था, बारिश जैसा,
बट अभी एकदम खुल गया है मौसम, धूप वो फिर से आ गई, देख सकते हो आप एकदम क्लियर। बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है बट धीरे धीरे बढ़ जाएगी, जैसे जैसे टाइम होगा वैसे वैसे बढ़ जाएगी। अभी तो 10 बज रहा है, 11, 12, 1 बजे तक तो बढ़ जाएगी गर्मी। बड़ा ऐसे माल देते हैं, जाते हैं घर पे, एडिटिंग जो है कंटिन्यू करते हैं या सोते हैं जो भी करते हैं। फिलहाल माल लेके आते फटाफट, चलो। ओके सो गाइस, मैं अभी जस्ट सो के उठा हूँ, मैं घर आया था एंड नाश्ता वगैरह करा, देन उसके बाद थोड़ी सी एडिटिंग करी मैंने। हालांकि अभी भी एडिटिंग चल ही रही है, मैकबुक में थोड़ा सा डिफिकल्ट है एडिटिंग, कभी लैपटॉप यूज़ नहीं किया है, किया नहीं है। और दूसरा, दिस इज़ नॉट लैपटॉप, दिस इज़ मैक, तो इसका सिस्टम भी पूरा अलग है। एंड अभी जा रहा हूँ गाइस, मैं थोड़ा सा अगर घर पे इनो विनो पड़ा हुआ तो इनो विनो पीऊँगा, क्योंकि मेरा पेट में अभी भी पता नहीं क्या, मतलब दर्द नहीं हो रहा है ना चल रहा है, बट मैं वो खाने पीने की कुछ भी इच्छा नहीं हो रही, मतलब ऐसे कुछ खाना है, खाना खाना है। अभी लंच का टाइम हो गया, लंच का टाइम होके निकल गया, मेरे को भूख ही नहीं लग रही, सुबह से कुछ नहीं खाया बट स्टिल मुझे भूख नहीं लग रही, तो क्या दिक्कत है इसका मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पेट में कुछ होगा, अभी तक डाइजेस्ट नहीं हुआ रहेगा तो उस वजह से ऐसा हो रहा है, तो गॉड नोस। तो प्रिकॉशंस इज बेटर देन क्योर, तो फिलहाल के लिए आते हैं, प्रेशर होके आते हैं। तो गाइस इनो मिल गया मुझे, पूरा पैक्ड है, अच्छी बात है कि मिल गया मेरे को घर पे ही, नहीं तो मुझे बाहर जाके लाना पड़ता और इतने धूप में बाहर जाना, मतलब अभी क्योंकि 3 बज रहा है, पीक टाइमिंग है एकदम धूप का, तो इस टाइम पे बाहर जाना मतलब अपने जो चीज़ ख़राब है उसको और ख़राब करना। इनो पीते हैं पहला, उसके बाद स्टार्ट करेंगे अपना काम वाम जो भी। ओके सो गाइस, वीडियो एडिटिंग पूरी हो गई, एक्सपोर्ट पे लगा दिया है, बहुत मुश्किल से एडिट हुई है, बहुत मुश्किल से, क्योंकि एप्लीकेशन भी अलग है और दूसरा मैकबुक है। जब तक ये यूज टू नहीं होगा तब तक ऐसे ही मेरे को थोड़ा सा हेडेक लगते रहेगा एडिटिंग करने का, अब देखते कब तक यूज टू होती है। तो वीडियो छोटी थी तो एडिट हो गई, अब बड़ी बड़ी वीडियो एडिट करनी पड़ेगी तब तो यार हालत ख़राब हो जाएगी इसमें। खैर कोई बात नहीं, नई चीज़ें अगर सीखते तो ऐसा होता ही है, अब क्या ही बोले। अभी फिलहाल के लिए गाइस जा रहा हूँ मैं नाश्ता वास्ता कुछ करने के लिए, अभी नाश्ता वास्ता करने की इच्छा तो है नहीं बट सुबह से कुछ खाया नहीं है तो कुछ तो खाना पड़ेगा ही, तो देखते हैं अगर कुछ खाता पीता हूँ मैं क्या करता हूँ, क्या है क्या नहीं। अभी भी वो मतलब अनइजीनेस फील हो ही रहा है मेरे को, अब आई डोंट नो वाई, मैंने क्या ऐसा खाया है समझ में नहीं आ रहा मेरे को। तो गाइस आई डोंट नो वाई बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे शायद फीवर है, मैंने अभी तक चेक नहीं किया, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि जब मेरे को फीवर होता है ना तो मेरी आँख भारी भारी हो जाती है एंड जो मेरी ब्रीथिंग होती है वो मतलब गर्म ब्रीथिंग होती है मेरे को, तो मेरे को ऐसा लग रहा है क्योंकि मेरे को ज़्यादा मेरे को कोई चेक वेक करने की ज़रूरत नहीं है, मैं को खुद ही समझ में आ रहा था कि मेरे को कुछ है कि नहीं, मैं बिना टेम्परेचर चेक किए भी बता सकता हूँ कि मेरे को क्या हो रहा है और क्या नहीं। मतलब का सा फीवर है, मुझे समझ में आ जाता है एक ऐसे वैसे, मतलब ऐसा अमूमन ऐसा एवरीडे पे नहीं होता है मेरे को, ऐसा आँख भारी भारी से ऐसा नहीं लगता है बट हल्का बुखार है, जैसे जैसे सूरज ढलेगा वैसे वैसे बढ़ेगा। देखते हैं नाश्ता वाश्ता करके पैरासीटामोल वगैरह कुछ खाते हैं, पैरासीटामोल डोलो वगैरह कुछ तो भी खा लेते हैं। ओके सो गाइस, वीडियो अपलोडिंग हो गई है एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रगल मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है वीडियो अपलोडिंग करने में, लिटरली आज मेरे को पता चला कि भाई आज हुआ है कुछ काम, मतलब एडिटिंग में इतना स्ट्रेस, वीडियो अपलोडिंग में इतना स्ट्रेस, एक एक डॉक्यूमेंट ऐसा ढूंढना पड़ रहा है ना किधर गया है किधर है क्या नहीं है क्या नहीं, रे बाप रे, ये मैं 100 times ज़्यादा मुश्किल है आईपैड से, मैं आईपैड में जितने ईजीली कर लेता हूँ ना उससे 100 times ज़्यादा मुश्किल है इसमें। बट स्विच करना था, बहुत ज़्यादा मैंडेटरी था स्विच करना, इसके लिए स्विच किया, नहीं तो मैं स्विच नहीं करता, आईपैड से एडिटिंग हुई थी। एक्चुअली आईपैड में स्टोरेज का इशू बहुत ज़्यादा होता था, आईपैड में और मेरे फ़ोन में स्टोरेज का इशू इतना होता है ना कि बता नहीं सकता। अभी मैं थोड़ा सा लेटा हूँ, आराम कर रहा हूँ क्योंकि तबीयत का टंटा चल रहा है आप लोगों को पता ही है। ओके सो गाइस, सुबह से अभी निकला हूँ मैं घर से बाहर, मतलब कहीं बाहर जा रहे हैं क्योंकि सुबह से घर पर बैठे बैठे वही मतलब थोड़ा सा माइंड भी फ्रेश होना चाहिए ना, तो इसके लिए अभी जस्ट बाहर निकला हूँ, थोड़ा टाइम कहीं जाएंगे यहीं पर आसपास में, कौन से तो गार्डन कालिदास के आसपास कोई गार्डन है वहीं पर जाएंगे, थोड़ा सा हम वीडियो वगैरह बनाएंगे उसके बाद, थोड़ा टाइम वीडियो वगैरह बनाएंगे देन घर आ जाएंगे, अगर फ्रेश हुआ माइंड तो वैसा, या कोई कंटेन मिल गया कुछ मस्ती वस्ती किए तो वैसा सीन। अभी फिलहाल तो निकले हैं मैं, दक्ष और अंगद, अब हम तीनों में से जा कितने जन रहे हैं वो मुझे पता नहीं, दक्ष और मैं तो जा रहे हैं, अंगद जा रहा है कहीं और बाहर,
तो दक्षौर में जाते हैं, कहीं कंटेन वगैरह शूट करते हैं या ऐसे नॉर्मली टहल वहल के आ जाएंगे घर पर वापस। तो चलो आप भी चलो हमारे साथ मस्ती करेंगे।